गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 6 अनुवांशिक पदार्थ की खोज एवं डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है के चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा, जिसमें है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए या आरएनए। डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, जैसे कि इसके पहले हमने बताया था कि डीएनए और आरएनए को हम न्यूक्लिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। न्यूक्लिक एसिड का नाम किसने दिया, न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी, ये सब का डिटेल हमने पहले वाले टॉपिक में क्लियर कर दिया था। ठीक, थोड़ा सा हल्का सा पीछे की तरफ हम जाते हैं। जैसे हमने बताया था कि फ्रेडरिक मिशर नाम के साइंटिस्ट ने मरी हुई पस सेल की केंद्रक को बाहर निकाला और उसमें सल्फर और फास्फोरस, जिसमें सल्फर की मात्रा कम फास्फोरस की मात्रा अधिक होने के कारण उनका नाम इन्होंने क्या रख दिया था, न्यूक्लिन। बट अल्टमान नामक साइंटिस्ट ने जब इनका अध्ययन पुनः किया तो उसमें पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग कर दिया, जिसके कारण इनका नेचर कैसा हो गया, एसिडिक नेचर का। एसिडिक नेचर होने के कारण अल्टमान ने इस पदार्थ को क्या कह दिया, ये न्यूक्लिक एसिड है। इतना बात क्लियर है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वही क्या है, डीएनए है या आरएनए है। डीएनए और आरएनए को भी न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। जैसे कि न्यूक्लिक एसिड को हम लोग कह सकते हैं डीएनए या आरएनए। डीएनए को भी न्यूक्लिक एसिड कह सकते हैं, आरएनए को भी न्यूक्लिक एसिड कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का नेचर एसिडिक इन नेचर होने के कारण अल्टमान ने इनको न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया था। इतनी बात क्लियर है। अब देखा जाए कि न्यूक्लिक एसिड है क्या। तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल। न्यूक्लिक एसिड मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत बृहत अणु होते हैं, बहुत बड़े अणु होते हैं, जिसे हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। और इनका जो एटॉमिक भार है वो बहुत भारी है, एटॉमिक भार बहुत ही ज़्यादा है इनका एटॉमिक भार, क्योंकि ये मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, बृहत अणु होने के नाते इनका एटॉमिक भार क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है पॉलीपेप्टाइड न्यूक्लिक एसिड का निर्माण पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन से। न्यूक्लिक एसिड जो हैं ये इनका निर्माण होता है किससे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण किनसे होता है, ये होते हैं न्यूक्लियोसाइड से, न्यूक्लियोटाइड से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण न्यूक्लियोटाइड से, वो भी न्यूक्लियोटाइड जो क्या होते हैं, यूनिट मॉलिक्यूल, यूनिट मॉलिक्यूल के एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ देते हैं तो हमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाता है। ठीक, अब ये न्यूक्लियोटाइड जो है, इस न्यूक्लियोटाइड का निर्माण दो घटकों से होता है। जो पहला घटक है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, जबकि दूसरा जो घटक है इसे कहते हैं, दूसरा घटक को हम कहते हैं फास्फोरिक एसिड। इतना बात क्लियर कि न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण न्यूक्लियोसाइड
तथा फास्फोरिक एसिड को आपस में जोड़ने से न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण किया जाता है। अब न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण किससे होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का भी निर्माण दो घटक से होता है जिसका नाम है पेंटोज शुगर साथ ही साथ नाइट्रोजिनस बेस। ठीक, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस। एक बार इसे उल्टे तरीके से देख लिया जाए कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस आपस में मिलकर के न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड आपस में मिलकर के न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं और एक से अधिक यूनिट है, एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण करते हैं। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का क्या करते हैं? डीएनए आरएनए का निर्माण करते हैं। ये था इसका रे डायग्राम कि डीएनए आरएनए का निर्माण कैसे होता है। अब शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से, क्योंकि पहला प्रोडक्ट हमारा ये है नाइट्रोजन बेस क्या है, इसके बाद इसको बनाएंगे, इसके बाद न्यूक्लियोटाइड, फिर न्यूक्लियोटाइड को फास्फोरिक से जोड़ेंगे, फिर न्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से डीएनए का निर्माण किया जाएगा। ठीक, आते हैं नाइट्रोजनस बेस क्या है और नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, नाइट्रोजिनस बेस, ठीक, नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं पिरिमिडीन बेस और दूसरे को कहते हैं प्यूरीन बेस। तो पहला जो है मेरा वो है पिरिमिडीन डीन बेस, दूसरा है प्यूरीन बेस। ठीक, पहला जो है वो पिरिमिडीन बेस है और दूसरा जो है प्यूरीन बेस है। अब आता है कि पिरिमिडीन बेस में कितने नाइट्रोजन के बेस हैं, पिरिमिडीन में कितने नाइट्रोजन के बेस हैं। तो पिरिमिडीन में तीन तरह के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। ठीक, पिरिमिडीन में तीन तरह के बेस साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल, जबकि प्यूरीन बेस में दो तरह के बेस पाए जाते हैं जिसका नाम है एडेनिन और गुआनिन। ठीक, पिरिमिडीन बेस में तीन बेस साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, जबकि प्यूरीन बेस में दो बेस एडेनिन और गुआनिन। अब आया जाए कि डीएनए के केस में कितने बेस हैं और आरएनए के केस में कितने बेस हैं, अर्थात डीएनए को बनाने वाले कितने नाइट्रोजन बेस लगते हैं और आरएनए को बनाने वाले में कितने नाइट्रोजन बेस लगते हैं। देखा जाए अगला, इन डीएनए, इन डीएनए के केस में देखा जाए तो डीएनए में हमारे चार बेस पाए जाते हैं जो चारों बेस नाइट्रोजन बेस आपस में मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं। तो चार बेस में है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। ठीक, डीएनए के केस में एडेनिन
गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन चार नाइट्रोजन बेस हैं जिनके सहायता से डीएनए का निर्माण किया जाता है। इसी तरह आरएनए के केस में भी कितने नाइट्रोजन बेस, आरएनए के केस में भी चार नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। इन्हीं चारों नाइट्रोजन बेस की सहायता से आरएनए का भी निर्माण किया जाता है। इन आरएनए के केस में देखिए एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यहाँ बदल जाता है यूरासिल, ठीक, यूरासिल। चार डीएनए में हो गए और चार आरएनए में हो गए, बस अंतर थोड़ा सा है केवल इस थायमिन का और इस यूरासिल का, कि डीएनए में थायमिन होगा या यूरासिल, आरएनए में थायमिन होगा या यूरासिल, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, जैसे कि डीएनए में डी पहले आता है, आर बाद में आता है। अल्फ़ाबेट जब पढ़ा जाता है ABCD, तो डी पहले आता है और आर बाद में आता है। इसी तरह टी पहले आता है और यू बाद में आता है, ठीक। जो पहले आए वो पहले में चला जाएगा, जो बाद में आए वो बाद में चला जाएगा। जैसे पहले आने वाला डी है तो डी के साथ टी लग जाएगा और आर के साथ यू लग जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे इसमें कन्फ्यूज आते हैं, क्योंकि ये तीन तो कॉमन है दोनों में, लेकिन इसमें थायमिन यूरेसिल को जोड़ने में दिक्कत होता है कि थायमिन लगाएं कि यूरेसिल लगाएं, ठीक। ये क्लियर हो गया, पहले वाले वर्ड के साथ पहला वाला और दूसरे वाले वर्ड के साथ दूसरा वाला। इस तरह से हमारे डीएनए आरएनए में नाइट्रोजन बेस की सहायता से डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है। अब आते हैं कि इन नाइट्रोजन बेस हो गए, अब बनाया जाए स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने बताया कि नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के, पिरिमिडीन बेस और प्यूरीन बेस। तो पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उस स्ट्रक्चर को देखा जाए। तो स्ट्रक्चर ऑफ पिरिमिडीन बेस, पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस, ठीक। तो पहला था पिरिमिडीन। तो पिरिमिडीन का जो नाइट्रोजन बेस हैं कितने प्रकार के, दो प्रकार के, तीन प्रकार के, सॉरी, पिरिमिडीन में तीन प्रकार के नाइट्रोजन बेस थे, जिसमें क्या था, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ये तीनों किसके थे, पिरिमिडीन के थे। अब पिरिमिडीन का जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, अर्थात पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर जो होता है, पहले पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर पिरिमिडीन के बाद पिरिमिडीन में पाए जाने वाले जो बेस हैं कौन कौन से, साइटोसिन का, थायमिन का और यूरेसिल का, इन तीनों का स्ट्रक्चर फिर देखा जाएगा कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहले ढांचा तैयार कर लें किसका, पिरिमिडीन का। उसके बाद पिरिमिडीन के ढांचे पर ही हम इसका निर्माण करेंगे और इसका निर्माण करेंगे, पुनः फिर इसका निर्माण करेंगे, ओके। अब आते हैं पिरिमिडीन का सिंपल स्ट्रक्चर बनाया जाए। तो कार्बन से लगाए नाइट्रोजन बेंजीन की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया, कार्बन को हमेशा चार डंडा चाहिए, अर्थात चार बैलेंसिंग इसकी होनी चाहिए, ठीक है। अर्थात इन्हें को चार डंडे की सहायता से, या चार मतलब कह सकते हैं कि चार लोग इनको चाहिए सपोर्ट करने के लिए, तब कार्बन इस्टेब्लिश रहते हैं, अपना कक्ष पूरा करते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन को भी तीन डंडे चाहिए, अर्थात तीन लोग चाहिए जो नाइट्रोजन के कक्ष को पूरा करें। अब देखिए यहाँ पर कार्बन जो है, कार्बन के साथ दो लगे हुए हैं, तो इसमें क्या करेंगे,
यहाँ एक डबल बॉन्ड के सहायता से और इसके सिंगल बॉन्ड के सहायता से हाइड्रोजन जोड़ेंगे। जो पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर है पहले उसे हम बनाते हैं। तो पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर देखिए, ये हमारा पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें देखिए कार्बन को चार डंडे चाहिए था, एक दो तीन चार, चार डंडे जब कार्बन पा जाता है तो अपना ये कक्ष पूरा कर लेता है। हाइड्रोजन को सिर्फ एक चाहिए जो इसके साथ पूरा करता है। नाइट्रोजन को तीन, एक दो तीन नाइट्रोजन, कार्बन को पुनः चार, एक दो तीन चार, और यहाँ हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन को इसके सहायता से एक पूरा, नाइट्रोजन को एक दो तीन, कार्बन को एक दो तीन चार, हाइड्रोजन को एक, कार्बन एक दो तीन चार, और फिर हाइड्रोजन एक। ये है पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर। इसी पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर पर हम लोग बनाएंगे साइटोसिन का स्ट्रक्चर, जो इसी पर बेस्ड है, इसी पर आधारित है। इसका भी स्ट्रक्चर, इसका भी स्ट्रक्चर, और इसका भी स्ट्रक्चर। ये था पिरिमिडीन। अब आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन, साइटोसिन बेस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये साइटोसिन बेस है, तो साइटोसिन बेस जो होते हैं, पहले इसका पोजीशन लिख लिया जाए। ये कार्बन नंबर, ये नाइट्रोजन नंबर एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, और ये छः, ठीक। ये इनके पोजीशन है कि साइटोसिन जब बनाया जाता है तो किस कार्बन पे कौन सा एलिमेंट जुड़ता है, ठीक है, उसी के आधार पर साइटोसिन का निर्माण किया जाएगा। जैसे साइटोसिन में है कि C6 पर NH2 का जुड़ना, C6 पर NH2 का जुड़ना और C2 पर ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर हम इस स्ट्रक्चर पर इसको जोड़ देते हैं तो इसका निर्माण हो जाता है, इसका साइटोसिन का। इतना बात क्लियर हो रहा है। कहने का मतलब ये था कि पिरिमिडीन बेस जो हैं तीन तरह के हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, लेकिन ये तीनों का स्ट्रक्चर इस पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर पर ही आधारित है। अगर पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर बनाने आ जाता है तो आराम से इन तीनों का स्ट्रक्चर बन जाता है। बस थोड़ा सा अंतर क्या रहता है कि साइटोसिन बनाने में कार्बन नंबर 6 पर NH2 को जोड़ना है, कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन को जोड़ना है। इसको जोड़ देंगे इस स्ट्रक्चर पर तो इसका निर्माण हो जाएगा। देखिए कैसे जुड़ रहा है। कार्बन नंबर 6, तो कार्बन नंबर 6 ये है, यहाँ देखिए कार्बन नंबर 6 पर जोड़ दीजिए NH2, ठीक। दूसरा बचा कार्बन नंबर 2 पर जोड़ना है ऑक्सीजन, तो कार्बन नंबर 2 पर यहाँ जोड़ दीजिए ऑक्सीजन। अब देखना है बैलेंस, इसका बैलेंसिंग पूरा हो रहा है या नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ नाइट्रोजन दिया हुआ है, तो नाइट्रोजन अभी हम बताए हैं नाइट्रोजन को 2 चाहिए, ठीक है, दोनों तीन, नाइट्रोजन को 3 डंडे चाहिए, 3 डंडे के सहायता से वो अपना कक्ष पूरा कर लेता है। जैसे कि 2 इससे मिल जा रहा है, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या यहाँ लगा दीजिए या यहाँ लगा दीजिए, तो नाइट्रोजन का 1, 2, 3 हो गया, और हाइड्रोजन को 1 से मिल गया और 1 इससे मिल गया, ठीक। इस तरह से नाइट्रोजन की 3 डंडे की सहायता से ये अपना कक्ष क्या कर लिया था, पूरा कर लिया था। अब यहाँ देखिए कार्बन, तो कार्बन में 1, 2, 3, 4, 4 में कार्बन का कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन में 1, 2, 3 नाइट्रोजन कंप्लीट हो गया। कार्बन देखिए 1, 2, 3, 4 कार्बन तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन यहाँ देखिए ऑक्सीजन को हमेशा 2 डंडे की आवश्यकता पड़ती है जिसके सहायता से अपने कक्ष को पूरा करते हैं। तो ऑक्सीजन में यहाँ 1 डंडा और लगाते हैं तो ऑक्सीजन की तो बैलेंसी पूरी हो जा रही है, लेकिन इसमें देखिए कार्बन के पास कितना हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 5 हो गए, जबकि कार्बन को चाहिए था कितना, सिर्फ और सिर्फ 4 चाहिए था। अब क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, हटाने के बाद कार्बन की पूरा, लेकिन नाइट्रोजन का बैलेंसिंग नहीं पूरा हो पा रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे,
जब यहाँ हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो नाइट्रोजन को भी तीन डंडे से नाइट्रोजन की भी संख्या, उनके कक्षों की संख्या में नाइट्रोजन का जो अणु पूरा हो जा रहा है, आगे कार्बन का भी पूरा, इसका भी पूरा, अर्थात ये जो स्ट्रक्चर बन गया ये स्ट्रक्चर आप का है साइटोसिन का। इतना बात समझ में आया होगा कि साइटोसिन का फिगर जो बना रहे हैं हम लोग पिरिमिडीन बेस पर, तो उसमें जोड़ना क्या है, कार्बन नंबर 6 पर NH2 जोड़ना था और कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन जोड़ना था। अगर कार्बन नंबर 6 पर NH2 और कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन जोड़ देते हैं तो हमारा साइटोसिन का फिगर तैयार हो जाता है। अब आता है दूसरा फिगर इस थायमीन का। थायमीन का क्या स्ट्रक्चर है, उस कहाँ पर किस कार्बन पर क्या जोड़ना है कि थायमीन का स्ट्रक्चर तैयार हो जाए। अब देखिए थायमीन को बनाने के लिए कार्बन नंबर 2 तथा कार्बन नंबर 6 पर ऑक्सीजन जोड़ेंगे। कार्बन नंबर 2 पर तथा कार्बन नंबर 6 पर ऑक्सीजन जोड़ेंगे और कार्बन नंबर 5 पर CH3 जोड़ेंगे। ठीक, इतना बात क्लियर कि कार्बन नंबर 2 और 6 पर ऑक्सीजन और कार्बन नंबर 5 पर CH3 जोड़ेंगे, जिसके सहायता से हम क्या करेंगे, थायमीन इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। पहले तैयार करते हैं पिरिमिडीन बेस का जो सिंपल स्ट्रक्चर था, तो पिरिमिडीन बेस का सिंपल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। पिरिमिडीन का जो स्ट्रक्चर था यही था, ठीक, यही पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर पे इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे, यहाँ देखिए लिखा है कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 6 पर ऑक्सीजन लगाना है, तो हमें इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबरिंग करने के बाद हम कार्बन नंबर 2, ये हो गया, इसको हटाते हैं, हटा के लगाएंगे यहाँ क्या, ऑक्सीजन, और यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे ऑक्सीजन, और नंबर 5 पर लगाएंगे CH3, तो यहाँ लगा देते हैं CH3। ये तो हो गया कि अभी जोड़े हैं, अब बैलेंसिंग पूरा करना है। तो बैलेंसिंग पूरा करने के लिए हमने बताया कि ऑक्सीजन को सिर्फ 2 डंडे चाहिए, नाइट्रोजन को 3 और कार्बन को चाहिए 4। तो देखिए ऑक्सीजन को कितना मिला है, 1, तो इस ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो इसको यहाँ 2 कर दीजिए, इसे अब हटा दीजिए, 1, 2, 3, 4, जहाँ कार्बन की क्या हो गया, यहाँ बैलेंसिंग क्या होगी, कार्बन की पूरा हो गया। अब बचता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का यहाँ 2 है, तो इनसे क्या करिए, 1 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ठीक, जब यहाँ 1 हाइड्रोजन जोड़े तो नाइट्रोजन का क्या हुआ, पूरा हो गया। अब पुनः यहाँ देखिए ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन को पता है सबको कि यहाँ इसको 2 डंडे चाहिए, तो 2 डंडे के कारण ऑक्सीजन की बैलेंसी पूरी हो जा रही है, लेकिन कार्बन यहाँ देखिए 5 हो जा रहा है। तो क्या करिए, इसको 1 हटा दीजिए। अब देखिए कार्बन का क्या हुआ, यहाँ कार्बन का पूरा हो गया लेकिन नाइट्रोजन का नहीं पूरा हो रहा है, तो नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ कार्बन में 1, 2, 3, 4, इस कार्बन को 4 चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन से लेकर के और 1 इससे लेकर के हमारा कार्बन का क्या होगा, चारों बैलेंसी पूरा कर लेगा। इस तरह था स्ट्रक्चर किसका, ये है थायमीन का, THMINE। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया मेरा थायमीन का। अब अगला स्ट्रक्चर आता है यूरासिल का, कि यूरासिल का कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो यूरासिल के स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पुनः फिर पिरिमिडीन का ढांचा तैयार करेंगे और उसी पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर पर कुछ कार्बन के पोजिशन पर कुछ अणु को जोड़ेंगे और
यूरेसिल का निर्माण करेंगे। इनके केस में कार्बन नंबर 2 तथा कार्बन नंबर 6 पर ऑक्सीजन जोड़ दें तो यूरेसिल का निर्माण हो जाएगा। कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 6 पर ऑक्सीजन जोड़ दें तो यूरेसिल का निर्माण हो जाएगा। अब देखिए इसी के फिगर पे देखा जाए तो नहीं मिटाई देते हैं पुनः स्ट्रक्चर। ये हो गया, कह रहा कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 6 पे जोड़ना क्या है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं तो ये कार्बन नंबर 6 है, ये 1 2 3 4 5 ठीक, 2 पर जोड़ दीजिए ऑक्सीजन, ठीक 6 पर जोड़ दीजिए ऑक्सीजन, ठीक। अब यहाँ ऑक्सीजन जोड़े तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई 1 2 3 4 और इस ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी है 1 और 2 से। यहाँ नीचे आइए तो नीचे देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को सिर्फ मिला कितना 1 और 2, इसको चाहिए कितना 3, तो इसके सहायता से एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं जिसके कारण क्या होगा नाइट्रोजन का भी क्या हो गया वैलेंसी पूरा हो गया। अब यहाँ कार्बन का देखा जाए तो 1 2 3 4 कार्बन का भी 4 पूरा हो गया, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन को कितना चाहिए 3, लेकिन नाइट्रोजन के पास यहाँ कितना है 2, तो यहाँ भी क्या करेंगे एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो नाइट्रोजन क्या पूरा हो जाएगा। स्ट्रक्चर जब हम लोग बना रहे थे तो उस पिरामिडीन के स्ट्रक्चर में यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, पुराना वाला पिरामिडीन का स्ट्रक्चर याद है तो दोनों के साइड में H लगा हुआ था, H लगा दीजिए, अब ये बन गया आपका स्ट्रक्चर किसका यूरेसिल का, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर आपका यूरेसिल का तैयार हो गया। आज हमने बताया कि न्यूक्लिक एसिड का निर्माण किससे किया जाता है, कौन कौन छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करेंगे और कौन कौन से नाइट्रोजन बेस थे, 2 प्रकार के नाइट्रोजन बेस बता दिए पिरिमिडीन और प्यूरीन, जिसमें पिरिमिडीन बेस में 3 प्रकार के बेस हैं जो हमने बता दिया साइटोसिन यूरेसिल और थायमिन। पुनः अगला बेस जो है नाइट्रोजन बेस हमारा क्या है प्यूरीन है, जो अगले नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।